नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21। देखिए, बारिश की वजह से देश भर में जो है बुरा हाल। सबसे बड़ी बात है, एक के बाद एक जो घटनाएं हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जगह जगह जो कह सकते हैं अफरा तफरी मच गई है, देश जो है बारिश की वजह से बेहाल हो रहा है। अगर बात करें दिल्ली की, लगातार बारिश की वजह से एक के बाद एक जो बड़े हादसे हैं वो हो रहे हैं। और अगर बात करें राजधानी जयपुर की तो वो भी पीछे नहीं है। जयपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है और उस हादसे की वजह से लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई है और कई जो जिंदगियां हैं वो भी बर्बाद हो गई हैं। और इस पूरे मामले में अधिक जानकारी के लिए आज हम बातचीत करेंगे, हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव प्राशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, सबसे पहले मैं बहुत बहुत नमस्कार करना चाहेंगे आपका। नमस्कार दीपिका जी और दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार संजीव मेरी तरफ से। जी संजीव जी, जैसे कि आपने सुना होगा संजीव जी कि एक के बाद जो एक सड़क हादसे हैं और सबसे बड़ी बात है इस बार जो सड़क हादसे जो बढ़ते जा रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं बेसमेंट में पानी भरने का ट्रेंड चल चुका है। और एक के बाद एक जो हादसे हैं और उसके बाद भी जो प्रशासन है हरकत में नहीं आ रही, तो सबसे पहले जानना चाहूंगी कि इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, आपने सुना ही होगा दिल्ली के बारे में कि बेसमेंट में पानी भर जाता है और वहां पे बच्चे जो हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे उनकी मौत हो जाती है। और अगर बात करें जयपुर में एक ऐसा हादसा सामने आया है, उसके बारे में हम दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी संजीव जी, आपने इतना सब कुछ देखा है, आपको क्या लगता है कि इन पूरे मामले में सरकार जिम्मेदार है या लोग जिम्मेदार है? आखिरकार नगर पालिका अपना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जेडी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लोग भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे? बिल्कुल रितिका जी, आपने ठीक कहा कि सबसे ज्यादा जो है वो अगर प्रशासन की बात करें, पहला दोष तो प्रशासन का ही होता है, क्योंकि जब भी कोई मकान बनता है या जब भी कोई जो है वो कोई निर्माण होता है तो उसके अंदर सबसे पहले बजट में नक्शा पास कराया जाता है, नक्शे के अप्रूवल्स आती हैं, उसके बाद वो मकान उस हिसाब से बनना चाहिए। अगर जेडीए के द्वारा जो है वो नक्शा पास कराने की इतनी बड़ी जो है वो एक कंपल्शन है, तो उसके बाद में अगर वो मकान में अंडरग्राउंड बना लिया जाता है विदाउट अप्रूवल्स के, कोई भी चीज अगर उसमें कंस्ट्रक्ट होती है, तो डेफिनेटली जेडीए को इस चीज पे भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें बाद में क्या बना। क्या ऐसी कोई परिपाटी नहीं है कि जेडीए वहां जाकर के उसके बाद उसको चेक करके सर्टिफिकेट दे? क्योंकि अभी जिस हिसाब से मकान बनता है सिर्फ जेडीए के द्वारा नक्शा होना चाहिए, उसके बाद कोई नहीं पूछता। उसके बाद आपने चाहे अंडरग्राउंड बना दिया, वो अंडरग्राउंड दिखता नहीं है, उसके आपने बीच में जगह छोड़ दी, लेकिन जब बारिश आती है, कोई भी कठिन परिस्थिति आती है, तो सबसे पहले वो जो लूप होल्स है वो निकलने लगते हैं। तो उस वक्त तक मालिक ये सोचता है कि अपना जो है काम हो गया, लेकिन बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और इसी भी संजीव जी, आपने देखा ही होगा कि अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो कल बारिश हुई है और उसमें दिल्ली की पहली घटना तो जो हो ही चुकी थी बेसमेंट वाली, पर मैं बात कर रही हूँ प्राशर जी कि 13 लोगों की मौत कल दिल्ली में और हो गई है, जबकि 2 लोग जो है घायल बताए जा रहे हैं। अकेले दिल्ली में 7 लोगों की मौत हुई है। और सबसे बड़ी बात है नोएडा के कई हिस्सों में बारिश की वजह से जो जल भराव है वो भी देखने के लिए मिल रहा है। तो आखिरकार सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक के बाद एक जो संजीव जी आपने देखा है हादसे होते जा रहे हैं उसके बावजूद भी। दीपिका, कल भी मैं यूपी गवर्नमेंट का एक फैसला पढ़ रहा था कि उन्होंने ये कहा है कि इन दिनों में कोई अंडरग्राउंड की खुदाई नहीं होगी। मतलब इसका मतलब यह है कि अंडरग्राउंड जब खोदते हैं तो साइड में जो मकान की दीवारें होती हैं या जो अनयूजुअल है वो मिट्टी ढहने का डर रहता है और उसकी वजह से नुकसान हो जाता है, पहली बात तो ये। दूसरा, कच्चे मकान जब भी बने हुए होते हैं तो उनमें भी जो है वो ढह जाते हैं, उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनको ये नहीं पता होता कि इन मकानों की जो है वो बारिश का अनुपात क्या होगा और इन मकानों की मियाद क्या है। तीसरी बात, कोई भी मकान अगर आज की डेट में सबसे इजी बनते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियां बनती है या जिनको कह लीजिए झुग्गी झोपड़ियां सिर्फ नाम की होती हैं, उनमें आपको मैक्सिमम फैसिलिटीज मिलेंगी जो नालों पे बंद करने के ऊपर बनती है। बिल्कुल सही कहा। अगर आप उन तो नालों को जब, क्योंकि गवर्नमेंट को नालों की उसी वक्त सुध आती है जब या तो कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है या वो पानी जो है वो सिर से ऊपर निकल जाता है। इससे पहले 20-20 साल से, 15-15 साल से जो नाले कम फ्लो में आते हैं उस पे झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं, अगर उनको गवर्नमेंट हटाने जाती है तो इवन जो विधायक है वहां के, इवन जो वहां के जो पार्षद हैं वो उनके साथ में खड़े हो जाते हैं और उनको तोड़ने नहीं देते। वो अगर इसकी चीज की क्या गारंटी देते हैं कि अगर कल को बाढ़ आई तो तुम सब लोग सुरक्षित होगे, क्योंकि वो अवैध निर्माण तो होते ही हैं और साथ में वो कच्चे भी होते हैं। बिल्कुल, तो जो जनप्रतिनिधि है, अगर जेडीए जितना जिम्मेदार है उतना ही जनप्रतिनिधि भी उसके अंदर सहभागी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जैसे कि आपने बात की कि अवैध निर्माण की, तो अगर जैसे कि ये परमिशन होती है 2 फ्लोर बनाने की
पर लोग चार चार फ्लोर बना रहे हैं, तो इस तरह के हादसे को निमंत्रण कहीं ना कहीं हम खुद कर रहे हैं। जयपुर की विद्याधर नगर की अगर हम बात करें आपको, जैसे कि मैंने बताया कि बेसमेंट में डूबने से एक मासूम बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई है, और कारण जो बताया जा रहा है, जैसे कि आप बात ही कर रहे थे कि मकान की दीवार गिर जाती है, और ये जो घटना है करीबन बताई जा रही है रात के समय की, जिसमें 25 लोग जो है अभी भी घर में जो है फंसे हुए बताए जा रहे हैं। प्रशासन एक्टिव क्यों नहीं है, एक के बाद इस तरह की घटना है, क्या जयपुर में सिस्टम प्रॉपर नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है? देखिए अगर बात करें दिल्ली के अंदर भी सेम बेसमेंट में पानी के भरने की वजह से ये घटना हुई थी संजीव जी, और जयपुर की अगर हम बात करें तो सेम घटना, तो आखिरकार इसका मुख्य कारण क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। रितिका सबसे बड़ी बात यह है कि एक अजीब प्रॉब्लम है। देखो अगर कोई सोसाइटी, अगर कोई रहायशी कॉलोनियां हैं वहां पर कमर्शियल यूज होता है, ये जितने भी दिल्ली हैं या जितने आज की डेट में कोचिंग सेंटर्स बन रहे हैं वो नॉर्मली रिहायशी कॉलोनियों में ही बन रहे हैं। फिर जो जगह हैं उसके अंदर जो है वो ऊपर के फ्लोर पे ले जाते हैं, चलो ठीक है कि वो जितना उस पर लिमिटेशन है 2 फ्लोर 3 फ्लोर दिखती है, लेकिन अंडरग्राउंड जो है एक्सटेंशन वो सड़क के भी बाहर तक ले जाते हैं। मतलब अगर आपका मकान 40 फुट है तो अगर आप उनके अंडरग्राउंड को देखेंगे, क्योंकि अंडरग्राउंड ऐसी दिनों में खोदा जाता है जिस दरमियान में गवर्नमेंट की छुट्टियां 2-3 पड़ रही होती हैं या इलेक्शन टाइम होता है, जहां कोई भी अधिकारी सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं, और वो अंडरग्राउंड 3-3, 4-4 फुट सड़क के नीचे पाया जाता है। तो जब वो सड़क के एक और सड़क धीरे धीरे करते हुए भराई करती रहती है, सड़क ऊपर होती रहती है, एक क्षण ऐसा आता है कि जब सड़क जो है वो ऊपर होती है और अंडरग्राउंड नीचे हो जाता है, तो वो पानी पूरा फ्लो के साथ में जाता है और उस पानी की स्पीड अनलिमिटेड होती है। आपको दिल्ली वाले हादसे की बात अगर देखें तो 2 मिनट में वो अंडरग्राउंड भर गया था, तो 2 मिनट तो, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हैं उन अंडरग्राउंड को एसेस करने के लिए, क्योंकि लाइब्रेरीज हैं जो फिंगरप्रिंट से खुलते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का डाउन हो जाए उस दरमियान में और फिंगरप्रिंट ऑपरेट ना कर पाए तो डेफिनेटली मौत का तो वो घर हो जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी संजीव जी की दिल्ली के अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो 38 साल पुराना अभी भी ड्रेनेज सिस्टम चल रहा है, उसमें कोई अपडेशन नहीं किया गया है। दीपिका देखो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं दिल्ली की तो ऐसी समस्या हो गई है कि मतलब जब क्रेडिट लेना हो तो सब जने लेते हैं और जब डिसक्रेडिट लेना हो तो एक दूसरे पे फेंकते हैं। है ना, दिल्ली का तो अपन बात दिल्ली की क्यों लेते हो, आप जयपुर में ले लीजिए, आपके जो टोंक रोड पे जितने खुल रहे हैं अगर आप वहां देखेंगे बेहिसाब बच्चे हैं, बेहिसाब जो है वो उनका ट्रैफिक का आवागमन है ना, कोचिंग सेंटर्स के आगे स्कूटर मोटरसाइकिल, कितनी मौतों को, ये तो अगर बारिश हुई है तो उसकी वजह से हमें ध्यान में पड़ रहा है, लेकिन कितनी अनियंत्रित जो है, कोई पुलिस वाला बीट अधिकारी कोई भी वहां पर जो है वो आपको नहीं दिखता, अगर बच्चे साइकिल से पूरा क्रॉस कर रहे हैं एक्सीडेंट हो जाता है तो वही जिम्मेदार है, कोई और सरकार और प्रशासन की तरफ से इन कोचिंग सेंटर्स के ऊपर जहां पर अचानक बच्चे इकट्ठे होते हैं, मां बाप छोड़ने आते हैं, कोई ऐसा कोई तंत्र नहीं दिया गया कि साहब इनको जो है वो आपको प्रॉपरली जो है वो मैनेज करे ट्रैफिक को, तो एक्सीडेंट तो वहां पर भी आज की डेट में बढ़ते जा रहे हैं। कोचिंग सेंटर तो अल्टीमेटली क्या होता है कि एक टाइम पे हुजूम आता है पूरा का पूरा, और थोड़ी देर बाद में घंटा 1.5 घंटे बाद जब उनकी क्लासेस शुरू हो जाती है तो कम हो जाता है, और यही 2 बजे 2:30 बजे के बाद होता है। पर आपसे अगर आपको दिल्ली की अगर मैं संजीव जी आपसे बात करूँ, ये जो पूरा हादसा हुआ है आपने पूरा इसको पढ़ा होगा अच्छे से, इस पर रिसर्च किया होगा, आपको क्या लगता है कि दिल्ली हादसे का जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है? देखो आज अगर जिम्मेदारी की बात करें तो रितिका जब ये मकान बने होंगे आज 30-30 साल से यहाँ पर जो है कोचिंग्स चल रही हैं, मोर देन 35 साल से राव हो चाहे लक्ष्य हो कुछ भी हो, और यहाँ से कितने लोग आईएएस बन करके निकल गए इन्हीं जगहों पर, इन्हीं दड़बों में, दड़बे वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, लिटरली दिल्ली में जगह कम है और सब लोग दिल्ली चलो की बात करते हैं, तो इन्हीं जगहों पर पढ़ के वो पढ़े लिखे, उनको बाद में निकलने के बाद अपनी अपनी जॉब पे चले गए, पोस्टिंग पे चले गए, कभी उन्होंने इस चीज की तरफ गौर नहीं किया कि अल्टीमेटली जिन जगहों पर हम पढ़ रहे हैं वहां पर जो है धीरे धीरे जगह नैरो होती जा रही है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, अगला प्रशासन आता है वो देखता है पीछे वाले ने नहीं देखा तो मैं क्या करूं, पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्टीमेटली दिल्ली में हम लोग अगर देखते हैं तो एक सेंट्रलाइज बन गया, राजेंद्र नगर कह लो, कनॉट प्लेस कह लो, इसके अलावा कोई मार्केट ही डेवलप नहीं हुआ जहां पर आपको कोचिंग के लिए आप अलग से सुविधा डेवलप करो। जब कभी भी आप देखिए कि अगर कोई अनाज मंडी सेंटर में आ जाती है जो कि रेवेन्यू देती है, अगर कोई ऐसी चीज जो सेंटर में आ जाती है जो स्टेट को रेवेन्यू देती है, तो उसके लिए अलग से जगह प्रावधान किया जाता है कि यहाँ से आपको अलग जगह दी जाती है और यहाँ से अपन बिजनेस को ऑपरेट करेंगे और जिससे सब लोगों को फायदा होगा। लेकिन दिल्ली में आज तक, अब कल आतिशी जी ने जो है वो एक इस तरह से
बात शुरू की है कि साहब इनको एक अलग प्लेस दिया जाए, तो क्या इससे पहले सिर्फ कमाई के साधन थे? मतलब आपको कमाई तो अच्छी लगती है, लेकिन उनको किस तरह से सिस्टमेटिक किया जाए उस पर कोई ध्यान जो है ध्यान ना तो पहले वालों ने दिया ना अब दिया। कल हाई कोर्ट की फटकार के बाद में, इतनी जबरदस्त फटकार के बाद में, जिसमें हाई कोर्ट ने स्पेशली ये भी कह दिया कि अगर तुमसे नहीं होता तो मैं सीबीआई को केस दे दूंगी। सीबीआई को केस, अब आप देखिए कितनी बड़ी चपत है, कितनी बड़ी जो है वो थप्पड़ है कि आप देश की जो है वो राजधानी के अंदर जो है वो आप बैठे हो और आपको इस तरफ सेंसेस ही नहीं है। बिल्कुल, आप शहर से निकलो तो सही काम करने के लिए। मैं एक बहुत अच्छा सुझाव देता हूँ दीपिका रितिका आपको, बहुत बड़ी बात मैं कर रही हूँ। बीट अधिकारी होता है एक छोटा सा, ना थानों का बीट अधिकारी होता है, जिसको एक एलोकेशन दिया जाता है कि तुम्हें जो है वो उस एरिया का देखना है। ठीक है, तो क्या कोई अवैध निर्माण होता है, क्या कोई जगह पे एनक्रोचमेंट होता है, क्या वो बीट अधिकारी हेल्प नहीं कर सकता प्रशासन की या जेडीए की या डीडीए की कि साहब यहाँ पर ये जो है वो मेरी कंप्लेंट में आया है, आप इसको देख लीजिए। बिल्कुल, क्या बीट अधिकारी का यही काम होता है कि अपराधी कहाँ रहते हैं और अपराध कहाँ हुआ है सिर्फ वो रिपोर्ट करे? पर सर, जिम्मेदारी से ज्यादा मिलीभगत का जो मामला है वो सामने आता है। आपने देखा होगा कि इन सब चीजों में भी इतनी धांधलियां चल रही, मिलीभगत चल रही है कि जनता के हित की जुड़ी सीधी बात कोई करने को तैयार ही नहीं है। देखो रितिका, मिलीभगत तो हिंदुस्तान में, परसों यूपी में एक थाना जो है वो सिर्फ जो है वो बिहार और यूपी के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, 4.5 करोड़ रुपया इनकम बताई गई एक थाने की, तो क्या आज से पहले 7 सालों से ये इनकम नहीं दिख रही थी? दिख रही थी इससे पहले भी, लेकिन एक प्रशासनिक दम नहीं था उसको रिवर्स करने का। अब किसी ने अगर हिम्मत करी 7.5 साल भी तो करी। ऐसे ही आपकी बात है मिलीभगत तब तक चल सकती है रितिका जब तक प्रशासन डिसाइड ना करे, उसकी विल ना हो। अगर विल हो जाएगी तो मिलीभगत को भी कम होना पड़ेगा। आज राजस्थान प्रशासन ने अगर डिसाइड किया है कि 8 बजे के बाद ठेके के पास में कोई बंदा शराब करता हुआ नहीं मिलेगा, तो नहीं मिल रहा है। कब हुआ? इससे पहले तो चल रहा था। तो मिलीभगत तो तब तक चलती है जब प्रशासन चाहता है। प्रशासन को जब तक माल मिलता रहता है तब तक वो करता रहता है, उसके बाद में जब टाइट करने लगता है तो भी सबको लगता है कि अच्छा हो रहा है। मिलीभगत तो होती ही है, होती रहती है। और इसी बीच अगर बात करें राजधानी जयपुर की, तो 3 चरणों में नए ड्रेनेज प्रोजेक्ट पर करीबन 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात सामने आई, आपको क्या लगता है कितना सफल हो गई है? देखो रितिका, जयपुर इतना व्यस्तित हो गया है आज की डेट में, मुझे लगता है कि आपको जो सिस्टम को, जो भी आपको इस तरह के सिस्टम की जरूरत है, वो तो आपको देनी देनी चाहिए। 70 करोड़ चाहे 700 करोड़ चाहे 7000 करोड़ हो, क्योंकि अगर बाय द वे आज की डेट में ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको बीमारियों का घर डेवलप होगा। बिल्कुल, बीमारियों का डर। आप एक चीज को तो स्ट्रांग करेंगे, दूसरे को आप वीक करेंगे, तो आपको अल्टीमेटली ड्रेनेज सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा ये है कि इस बीच में दुविधा होगी, इस बीच में लोगों को तकलीफ होगी क्योंकि काम जल्दी नहीं करते लोग। अगर एक पुल बनाना होता है तो जोटवाड़ा का पुल हो चाहे कहीं का भी पुल हो, बरसों लगा देते हैं उसके अप्रूवल्स में। आपको अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति कंप्लीट करते हुए अगर आपको ड्रेनेज करना है तो करिए, लेकिन काम को जल्दी करिए ताकि लोगों को दो तकलीफें इकट्ठी ना हो। ठीक है, इसे देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें प्राशर जी, तो ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर हम बात करें सीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे कुंवर चंद्रेश हैं, उन्होंने बताया कि दिल्ली का लास्ट ले आउट जो डिजाइन है वो बताया जा रहा है 1979 का है। कहने का मतलब 45 साल के बाद दिल्ली की जनसंख्या और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो दबाव है बड़ा है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम का जो डिजाइन है बिल्कुल भी नहीं बदला है, बिल्कुल पुराना है। और उनका कहना है कि इसी की वजह से ये जो हादसे एक के बाद एक हो रहे हैं। अगर हम वही बात करें प्रश्न जी, 1976 के बाद दिल्ली का कोई ड्रेनेज प्लान नहीं बना है, और सबसे बड़ी बात है दिल्ली में कुल 201 नेचुरल ड्रेन है। नाला सफाई की सच्चाई जो है वो आपके सामने ही है प्रश्न जी, क्योंकि नाला, जब नाले की सफाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना में एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है, क्योंकि इसकी वजह से जल भराव हो जाता है। अगर हम बात करें 11,000 से अधिक नालों की सफाई करवाई तो गई थी दिल्ली में, पर अभी हालात जो है कहीं ना कहीं वही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बिल्कुल आपने सही कहा कि जब कभी भी एक पीरियोडिकल रिव्यू होना चाहिए। ये सिस्टम ऐसे हैं जिनके लिए पीरियोडिकल रिव्यू चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कहते हैं 30 साल पुराना 35 साल पुराना जब भी कोई हादसा होता है, जैसे अभी कोई विमान का हादसा हुआ तो बात डिस्कशन होती है ये 15 साल पुराना है या 20 साल पुराना है, लेकिन इस बीच में अगर उसका हेलो से समथिंग नो प्लीज कंटिन्यू। मैं कह रहा हूं कि पीरियोडिकल आपको कोई भी चीज कितनी भी पुरानी क्यों ना हो रितिका,
अगर उसका पीरियोडिकल मेंटेनेंस हो रहा है, अगर उस चीज का पीरियोडिकल रिव्यू हो रहा है, तो वो चीज का 35 साल 45 साल कोई फर्क नहीं पड़ता। पुरानी चीजें जो सिस्टम जिस वक्त ड्रेनेज, हाँ पॉपुलेशन की कंटेंट की वजह से उसमें थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो सकता है कि पहले इतना हो, लेकिन उन सिस्टम को भी मेंटेन करें, साथ साथ में पैरेलल सिस्टम और जनरेट करें ताकि एटलीस्ट आपको दो पैरेलल चैनल मिले। आप एक चैनल को ठीक ही नहीं करते हो, उसी वक्त आप कहते हो नहीं अब ये चैनल रुक गया है, दूसरा चैनल डालो, तो लोगों को तकलीफ डबल उठानी पड़ती है। बिल्कुल आपने सही, तो आपको पीरियोडिकल रिव्यू करें और साथ में नए चीजों को भी ऐड करें। डेफिनेटली पीरियोडिकल रिव्यू होना चाहिए क्योंकि वो इससे चीजों को दुरुस्त किया जा सकता है। देखिए प्राशांत जी, अगर हम बात करें वर्तमान में राजधानी में ड्रेनेज लाइन है वो करीबन, जयपुर की मैं बात कर रही हूँ, वो 20 साल पुरानी है। ये लाइन जगह जगह से चौक हो चुकी है जैसे कि हम सब जानते हैं, उसकी वजह से कई बार सड़कों पे पानी भी आ जाता है। तो मैं जानना चाहूंगी लाइन की चौड़ाई कम होने से थोड़ी बारिश में मुख्य चौराहे पर अगर हम बात करें थोड़ा सा भी पानी बरसता है, 5-5 फीट कह सकते हैं पानी जो है वो भर जाता है। तो कहने का मतलब है दरिया बन चुकी है एक तरह से, दिल्ली वाले जो जयपुर में है वो भी हाल जो हमें देखने के लिए मिल रहा है। और अगर हम बात करें जयपुर की, अगर बात करें या जो भी जिस तरीके से बजट पास हुआ है उसके लिए नगर पालिका को, नगर प्रशासन को करोड़ों रुपए करीबन दिए जा रहे हैं, पर वो पैसा आखिरकार जाता कहाँ है? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो व्यवस्था तो कोई सुचारू रूप से नहीं दिख रही है। बहुत सही बात कही आपने कि अल्टीमेटली हमें नेट जो है वो चीज जो है वो देखने को मिलती है, उसके बीच में क्या कितनी जगह पे जो है वो पैसा कहाँ कहाँ लगा, कितने जगह पे उसमें मिसलेनियस चीजों पे काम आया। क्योंकि हर बार अगर अपन ये देखते हैं कि बजट आता है इतना और वो बजट को पूरा करने में भी 2-3 साल लग जाते हैं। बजट तो आज के डेट के हिसाब से कोई चीज बनी, लेकिन अगर उसकी कॉस्ट में इंक्रीमेंटल हो गया, कोई चीज शॉर्टेज हो गई, तो बजट भी जो है वो 12-13% अप हो जाता है। और वो फिर जो है वो लड़ाई चलती है, साहब 13% अप हो गया, इसके अंदर मैं काम कैसे करूं। तो ठेकेदार या जो भी कोई आदमी काम कराने वाला भी होता है, जितना टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है किसी भी चीज को करने में, उतना उसका एक्सपेंसेस भी बढ़ते रहते हैं, और वो एक्सपेंसेस भी अल्टीमेटली काम को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उसका भी जो है वो खर्चा जो है वो काम को डिले करता है, डिले करता। और ये एक कारण है। दूसरा कारण आपने कहा कि डिले होता है काम जो है वो आपको कोई नेट में दिखता तो है, क्योंकि काम आज की डेट में पॉपुलेशन जो है वो इतनी तेजी से बढ़ती है, इतना सब कुछ, जो कुल कॉलोनी आप कल तक जयपुर में बाहर देखते थे 20 किलोमीटर बाद 30 किलोमीटर बाद, आज वहां इतने बड़े बड़े घर, आपको खुद को भी आश्चर्य होता है कि एक कॉलोनी थोड़े दिनों पहले में थी कितनी डेवलप हो गई, तो उन कॉलोनी में लोग रहना भी शुरू कर देते हैं। अगर इतना सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है तो देने सिस्टम वगैरह को, तो सरकारी तंत्र को तो एक बार पैसा आता है, एक बार डाल देते हैं, उसके बाद 10 साल तक नहीं देखते, लेकिन 10 सालों में कॉलोनी और डेवलप हो जाती है। तो ये चीजों का कहीं ना कहीं जो है ना होता नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता। एक तरह से कहने का मतलब है कि एक बार आपके लिए जो बजट पास हुआ है उस बजट का पूरा जो इस्तेमाल है होता नहीं है। कहने का मतलब है कि दूसरा बजट आने का समय हो जाता है पर सरकार जो है वो लगी रहती है, काम पूरी तरीके से ओवरऑल कहने का मतलब होता नहीं है। बिल्कुल सही है। आप देखिए कई जगह पे रितिका, आपको मैं बहुत एग्जाम्पल देता हूँ, आपको किसी भी गवर्नमेंट के रेलवे लाइन के नीचे से कोई चीज निकालनी है, ऊपर से कोई चीज निकालनी है, नाला बनाना है, समझ ठीक है, ठीक है। अब उसके लिए कितने अप्रूवल लगेंगे और वो अप्रूवल जो है वो कई बार दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं कोर्ट में भी कई बार जाते हैं कि साहब पानी नीचे से नहीं निकल रहा। सेना है, सेना के अगर आपको लगता है कि सड़क चौड़ी और हो जाएगी, सेना की थोड़ी जमीन मिल जाए, झोटवाड़ा पुलिया को ले लीजिए आप, है ना, कितने अप्रूवल सेंटर तक जाते हैं, वो डिले करते हैं काम को। ठेकेदार तो काम शुरू करना चाहता है लेकिन उसको पता लगता है कि इन कंस्ट्रक्शंस की वजह से उसका कंस्ट्रक्शन डिले हो रहा है, तो कॉस्ट बढ़ गई, डिले हो गया, लोगों को तकलीफ हुई, इतने इतने सालों तक खुला रहा चैम्बर, लोग गिरे उसके अंदर, तो भुगतते तो सब है, क्योंकि प्रशासन भी कहीं कहीं बिल्कुल भुगतते तो सभी है। कहने का मतलब है जो मेन जो जनता है वो पिसती रहती है और बिचौलिया जो है वो कह सकते हैं कहीं ना कहीं अपना फायदा निकाल कर जो है बीच से निकल जाते। देखिए बात कर रहे हैं हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, सड़क हादसे जो है बारिश की वजह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम सड़क हादसों की बात करें तो जगह जगह खड्डे हो रखे हैं, उसके कारण जो सड़क हादसों का जो है कारण है जो बनता जा रहा है। अगर हम बात करें शहर में बारिश की वजह से सड़कों के बुरे हाल हो रखे हैं, बारिश ने छल्ला कर दिया है, बारिश के दौरान आम रास्ते नाले नालियों में किसी भी प्रकार की गंदगी जो है वो ज्यों की तो पड़ी रहती है। और आम जनता से भी हम कहना चाहेंगे जो इस वक्त देख रहे हैं कि जो कचरा है उसको आप सही जगह पर रखें, क्योंकि यही कचरा जो है पानी के साथ बहकर सड़कों को जाम करता है और कहीं ना कहीं हम भी इसके जिम्मेदार हैं सड़क हादसों के। प्राशर जी, ओवरऑल हम आपसे बातचीत जितनी भी आज हुई काफी सारी आपसे जानकारी, मैं समाप्त करना चाहूंगा बात को।
क्योंकि आपकी और हमारी बात अभी किसी एक टॉपिक पे हुई है कि एक टॉपिक रह गया है रितिका, मैं एक मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। रितिका, पिछले 5 दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। हम लोग पॉलिथीन बैग्स को मैक्सिमम यूज करते हैं, हम वो पॉलिथीन बैग अगर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता तो उठा करके सड़क पे फेंक देते हैं। जब बारिश आती है वही पॉलिथीन बैग ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं नालियों को, वो नालियां जो है वो ब्लॉक होती हैं, ओवरफ्लो होता है, वही गंदा पानी बाद में घरों में आता है। तो कहीं ना कहीं जो नालियों में पॉलिथीन बैग्स हैं वो भी जो है आउटफ्लो को जन्म देते हैं, पहली बात। दूसरी बात रितिका, और दूसरी बात और मैं इसके साथ ऐड करूंगा, लोग आज भी पानी का कनेक्शन जब भी लेते हैं रितिका, तो वो पानी का लाइन सड़क को तोड़ करके लेते हैं, कोई भी, और सड़क का खुद भी हो, और वो सड़क टूटी हुई की जिम्मेदारी बाद में बनाने की कोई नहीं लेता। और वही जब बारिश होती है तो बिना सड़क बनी हुई नीचे खड्डा और घेराव की वजह से खड्डा और बन जाता है, और वो खड्डा जो है वो कितना भी चौड़ा बारिश में हो जाता है, जहां गिरने के चांसेस होंगे ही होंगे, उस खड्डे को भरने की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। दूसरी बात, तीसरी बात रितिका, जो सड़कें हैं आज की डेट में वो ऊंची हो गई हैं, चैम्बर नीचे हो गए हैं। अब जब कोई भराव रुकता है तो वो लोग चैम्बर को खोलते हैं, चैम्बर को जब खोलते हैं तो वो चैम्बर को साफ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चैम्बर भी इतनी डेप्थ में चले गए हैं, कोई स्कूटर मोटरसाइकिल अगर डायरेक्ट चैम्बर पे पड़ता है तो उछल करके गिर जाता है। बिल्कुल। तो नाम तो बारिश का होता है, लेकिन इसके पीछे जो 3 कारक मैंने आपको बताए कि पॉलिथीन बैग्स की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन, ये बहुत बड़े कारण है, बहुत बड़े कारण है। और आपने बात की, तो आखिरी में मैं एक चीज आपसे भी जानना चाहूंगी प्राशर जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि अगर हम बात कर रहे हैं जयपुर की, हम बात कर रहे हैं, जिस बहुत अच्छे से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया, इसी बीच मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जयपुर की अगर बात करें, जयपुर में जल भराव की समस्या को लेकर जो लोग हैं उन्होंने हाईकोर्ट में भी गुहार लगाई थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट ने जेडीओ को दोनों समस्याओं के निराकरण की जो है वो आदेश दिए थे। पर सबसे बड़ी बात है, जेडीए जो है हाई कोर्ट की आदेश की भी अवहेलना करता नजर आ रहा है, और उस समस्या का सबसे बड़ी बात है कि अभी तक किसी तरीके का कोई समाधान नहीं हो पाया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आज की डेट में तो रितिका जी ये हालत हो गई है कि कोर्ट्स, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो इतना इंटरफेरेंस उनको करना पड़ता है कि प्रशासन भी कई जगह पर लचर नजर आता है, क्योंकि करना तो सब कुछ चाहते हैं लेकिन इतनी जगह पे उनकी ऑब्स्ट्रक्शन है, बाउंड्रीज हैं, तो कई बार उनको कोर्ट से भी झाड़ खानी पड़ती है, और कौन आदमी झाड़ खाना चाहता है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी वो अपने जो है वो सर्कल्स में घूम जाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिस्टम अगर सही तरीके से बना हो, क्योंकि पॉलिथीन बैग्स को लेकर के बहुत बार अभियान चलता है कि पॉलिथीन यूज नहीं होगा, और यही सबसे बड़ा कारण बनता है नालियों को ब्लॉक करने का, है ना। तो कहीं ना कहीं सिर्फ यस, जेडीए को सख्त तौर पे परमिशन, सख्त पे कहा गया था इन सब मामलों को लेकर, सुनवाई करने को लेकर जो जनहित याचिका पेश की गई थी लोगों द्वारा, पर उस पर भी कह सकते हैं कि सरकार की बातों की भी अवहेलना करते हुए नजर आया है जेडीए। और सबसे बड़ी बात है, जयपुर के लोगों की जो समस्या थी जिसके लिए जनहित याचिका पेश की गई थी, अभी तक उन मामलों में भी कोई निस्तारण नहीं हो पाया है। बिल्कुल रितिका, मैं आपके साथ हूँ कि जनहित याचिकाएं आज की डेट में लगाने वाले जो है वो बहुत ही चीजों को एक मुखर आवाज बनते हैं, लेकिन मैं तो साथ में ये भी कहूंगा रितिका कि एज ए जिम्मेदार नागरिक हम सब लोग भी समझें कि जनहित याचिकाओं को सॉल्व करने के लिए भी आदमी है, हम अपनी ड्यूटी को, हम लोग सब्जी लेने जाते हैं तो आज भी कपड़े का थैला नहीं लेकर के जाते, पॉली बैग लेकर के उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो कितनी पॉली बैग्स हम लोग जो है वो बाद में नालियों में फेंकते हैं जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो आप अपनी जिम्मेदारी को पहले अगर निर्वाहन करेंगे तो डेफिनेटली आप ज्यादा अच्छी तरह से इन सब चीजों को, बाद में आपने अगर प्रॉपर मकान बनाया अप्रूवल के बाद में, आपने अंडरग्राउंड को एक्सटेंशन नहीं किया, कहने का मतलब है, मैं तो यही कहूंगा रितिका, क्योंकि सबसे पहले वो कहते हैं ना कि 5 उंगली उस तरफ उगती है, तो जो सबसे बड़ा अंगूठा है वो तो आप ही की तरफ। बिल्कुल सही कहा प्राशर जी आपने, और आपसे बातचीत करी इस पूरे मामले में, आपने हमें अपना समय दिया और काफी सारी जो इन्फॉर्मेशन है मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को मिली होगी आपसे। और फिलहाल संजीव प्राशर जी, अभी के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, फिर किसी चर्चा में हम आपसे जरूर से जुड़ेंगे, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजीव प्राशर जी। थैंक यू वेरी मच, News21 का बहुत बहुत आभारी हूँ, मुझे आपने मौका दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव प्राशर जी। हमारे साथ हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव प्राशर जी हमारे साथ थे बीकानेर से, जिन्होंने
इन पूरे मामले को लेकर सरकार से लेकर आम जनता की एक अपनी अहम भूमिका क्या होनी चाहिए, उस बारे में हमें अवगत कराया, विस्तार से चर्चा की। और देखिए, सड़क हादसे का जो कारण है एक नहीं अनेक है, इसमें सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि प्राशर जी ने बोला कि अगर आप सब्जियां खरीद के ला रहे हैं, पॉलिथिन का इस्तेमाल आप खुद कर रहे हैं, इन चीजों को खुद बढ़ावा दे रहे हैं। आमतौर पर होता यह है कि पॉलिथिन को हम सड़कों पर फेंक देते हैं और कहीं ना कहीं वो नालियों के पास जाकर जम जाती है, पैक कर देती है और उसके कारण जल भराव होता है। और इस कारण जो एक्सीडेंट्स हैं आपके अपनों के साथ, लोगों के साथ, कहीं ना कहीं हम इन चीजों में भी हमारी भागीदारी है, हम ये माने या नहीं माने। सरकार से हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, पर हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको भी ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारी को भी समझने की कोशिश करें। तो फिलहाल की चर्चा में इतना ही, बने रहे न्यूज 21 के साथ। नमस्कार।